किसी गांव में एक नाई रहता था। वो घोर आलसी था। काम करते उसकी नानी मरती थी। वो पूरे दिन पुराने आईने के सामने बैठा टूटे कंघे से बाल संवारता था। उसकी बूढ़ी माँ उसके लिए दिन रात फटकारती थी पर उसके कान में जू भी नहीं रेंगती थी। आखिर एक दिन माँ ने उसे झाड़ू से मारा। जवान बेटे ने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया और वो घर छोड़कर चला गया। उसने कसम खाई कि जब तक कुछ धन नहीं कमा लेगा वो घर नहीं लौटेगा। नाई आलसी जरूर था पर बहुत चालाक था। वो चलते चलते जंगल में पहुंचा। वहां उसने सहायता के लिए भगवान से प्रार्थना करने का विचार किया। जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठा उससे पहले ही उसके सामने एक ब्रह्म राक्षस आ गया। ये राक्षस पहले ब्राह्मण था। राक्षस बेतहासा नाच रहा था। उसे देखकर नाई के होश उड़ गए पर उसने अपना डर जाहिर नहीं होने दिया। उसने साहस बटोरा और राक्षस के साथ नाचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने राक्षस से पूछा, तुम क्यों नाच रहे हो? तुम्हें किस बात की खुशी है? राक्षस हंसा, बोला, मैं तुम्हारे सवाल का इंतजार कर रहा था। तुम तो बिल्कुल उल्लू हो, कारण तुम ताड़ ही नहीं सकते। मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि मुझे तुम्हारा नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। अब तुम बताओ कि तुम क्यों नाच रहे हो? नाई ने कहा, मेरे पास इससे भी बढ़िया कारण है। हमारा राजकुमार बहुत बीमार है। चिकित्सकों ने उसे 100 ब्रह्म राक्षसों के हृदय का रक्त पिलाने को कहा है। महाराज ने मुनादी करवाई है कि जो कोई ये दवा लाकर देगा उसे वे अपना आधा राज्य देंगे, साथ ही उससे अपनी बेटी का विवाह भी करेंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने 100 ब्रह्म राक्षस पकड़े हैं। तुम्हें मिलाकर 101 की संख्या पूरी हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा को मैंने पहले ही कब्जे में कर लिया है। तुम मेरी जेब में हो। ये कहते हुए उसने जेब से छोटा आईना उसकी आंखों के सामने रख दिया। आतंकित राक्षस ने उस आईने में अपनी शक्ल देखी। चांदनी रात में उसे अपना प्रतिबिंब साफ नजर आया। उसे लगा कि वाकई वो नाई की मुट्ठी में है। वो थर थर कांपने लगा। उसने नाई से गिड़गिड़ाकर विनती की कि वो उसे छोड़ दे, पर नाई राजी नहीं हुआ। तब राक्षस ने उसे 7 रियासतों के खजाने के बराबर धन लेने का लालच दिया। झुकने का अनिच्छुक नाटक करते हुए नाई ने कहा, पर जिस धन का तुम वादा कर रहे हो वो है कहाँ? और इतनी रात गए उस धन को और मुझे घर कौन पहुँचाएगा? राक्षस ने कहा, खजाना तुम्हारे पीछे वाले पेड़ के नीचे गड़ा है। पहले तुम इसे अपनी आंखों से देख लो, फिर मैं तुम्हें और इस खजाने को पलक झपकते तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। राक्षसों की शक्तियाँ क्या तुमसे छुपी हैं? ऐसा कहते हुए उसने पेड़ को जड़ समेत उखाड़ दिया और हीरे मोतियों से भरे सोने के 7 कलश बाहर निकाले। खजाने की चमक से नाई चौंधिया गया, पर अपनी भावनाओं को बड़ी होशियारी से छुपाते हुए उसने रोब से आदेश दिया कि उसे और खजाने को तुरंत उसके घर पहुंचा दे। राक्षस ने आदेश का पालन किया। नाई को उसके घर पहुंचाकर राक्षस ने उससे मुक्ति की याचना की, पर नाई उसकी सेवाओं से इतनी जल्दी हाथ नहीं धोना चाहता था। सो उसने राक्षस को पहले खेत की फसल काटकर लाने को कहा। बेचारे राक्षस को यकीन था कि वो नाई के शिकंजे में है, सो उसे फसल काटने के लिए राजी होना ही था। वो फसल काट रहा था कि एक दूसरे राक्षस का उधर आना हुआ। उसने इस राक्षस से पूछा कि वो क्या कर रहा है। ब्रह्म राक्षस ने उसे बताया कि कैसे वो एक काइया आदमी के चंगुल में फंस गया। उसके जाल से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि उसका हुक्म बजाया जाए, इसीलिए वो धान की फसल काट रहा है। दूसरा राक्षस बहुत जोर से हंसा और कहा, अरे पागल हो गए हो? राक्षस आदमी से कहीं अधिक शक्तिशाली और श्रेष्ठ होते हैं। आदमी की क्या औकात कि वो हमें हरा सके? उस आदमी का घर मुझे दिखा सकते हो? उसने कहा, दिखा दूंगा पर दूर से, और धान की कटाई किए बिना उसके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। यह कहकर उसने उस राक्षस को नाई का घर दूर से दिखा दिया। इस बीच धन मिलने की खुशी में नाई भोज के लिए एक बड़ी मछली लेकर आया, पर बदकिस्मती से एक बिल्ली टूटी हुई खिड़की से रसोई में घुसी और आधी से ज़्यादा मछली खा गई। नाई की बीवी गुस्से से सुलगती हुई बिल्ली को मारने के लिए झपटी, पर बिल्ली टूटी हुई खिड़की से भाग गई। नाई ने सोचा, बिल्ली अब वापस आएगी और इसी रास्ते से आएगी। सुबह मछली काटने की छुरी हाथ में लिए हुए
बिल्ली के लौटने का इंतजार करने लगी। उधर दूसरा राक्षस चोर की तरह दबे पांव नाई के घर की ओर बढ़ा। वो अपने दोस्त को फंसाने वाली नाई के घर की एक झलक देख लेना चाहता था। उसी टूटी हुई खिड़की से उसने अपना झबरीला सर भीतर घुसाया। शैतान बिल्ली की ताक में खड़ी क्रुद्ध नाई ने तेजी से चाकू का वार किया। निशाना सही नहीं बैठा, पर राक्षस का लंबा नाक आगे से कट गया। वो दर्द और भय से बेतहाशा भागा। शर्म के मारे वो फिर अपने मित्र के पास भी नहीं गया। पहले राक्षस ने धीरज के साथ पूरी फसल काटी और अपनी मुक्ति के लिए नाई के पास गया। धूर्त नाई ने उसे इस बार उल्टा शीशा दिखाया। राक्षस ने बड़े गौर से देखा, उसमें अपनी छवि नहीं पाकर उसने राहत की सांस ली और नाश्ता गुनगुनाता चला गया। चालाक नाई की ये बहुत ही अच्छी कहानी आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करिएगा।